रावी बयान करता है कि मैं हरम बैतुल्लाह कि खुदा हम सबको जो है वो हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए, कह रहे मैं वहां था, मैंने देखा रात को कोई गिलाफ काबा को पकड़कर क्रिया कर रहा है और मनाजात कर रहा है कि परवरदिगार मैं खताकार हूं, परवरदिगार अगर तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा। तुलानी मनाजात है जो इमाम ने की है। कहता है वो शख्स बेहोश हो गया। कहता है मैं फिर देखा, फिर खड़ा हुआ, फिर उसने ये किया। जब मैं पहुंचा तो मैंने जाकर देखा कि वो कुछ और नहीं, कोई और नहीं, चौथा इमाम है। मैंने उनको उठाया अपने जानू पर तो मेरे आंसुओं से इमाम के रोसार कर इमाम की आंख खोली। तो मैंने कहा मौला आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मगर आपके बाबा इमाम हुसैन, आपके जद इमाम अली, आपकी मादर जद बीबी जहरा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मौला क्या फरमाते हैं कि रोजे कयामत न कोई बाप काम आएगा न मां काम आएगी। कुरान की आयत की तिलावत की जिसमें है परवरदिगार कहता है, सूरह अबस की गालिबन आयत है कि रोजे कयामत इंसान पांच लोगों से भागेगा, एक अपने बाप से, अपनी मां से, अपनी औलाद से, अपने दोस्तों से और अपने भाई से भागेगा, भागेगा। माना जाता है अमीरुल मोमिनीन भी मौला फरमाते हैं कि उस दिन माओ बहनों के बहन कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए, तुम तनहा होगे। तो इमाम फरमाते हैं कि वहां कुछ नहीं होगा, मैं अकेला है साहब है, तो मैं क्यों ना खुदा की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ाऊं। तो अजीजा ने मातरम बहरहाल हम सईफे सज्जादिया को खोलें, थोड़ा सा तो खोलें, कम से कम जो मफातीउल जना के अंदर दुआएं हैं वो सईफे सज्जादिया में से। सईफे सज्जादिया खुद जो इमाम की दुआएं थी वो 200 की तादाद है, लेकिन जो जमा किया गया 50 से कुछ ज्यादा वो सईफे सज्जादिया में है। लेकिन मफातीउल जना में भी हर रोज की दुआ है, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात, छोटी सी दुआ है। आप उसके मफाहिम देखें, आप उसको पढ़ें, मेरे ख्याल में 3-4 मिनट से ज्यादा आपके खर्च नहीं होने हैं डेली। आप पढ़ लें, पढ़ नहीं सकते तो प्ले कर दें। आजकल तो हर चीज ऑडियो आ गई, एप्लीकेशन आ गई हैं, कितनी एप्लीकेशन है जिसके अंदर डेली की दुआ है। आप गाड़ी में जा रहे हैं आप उसको प्ले कर दें, सुन तो लें कम अज कम। खूब मफातीउल जना के अंदर 15 मनाजात हैं मौले मौला की, बहुत बड़ी नहीं है वो, तौबा करने वाले की, शुक्र करने वाले की। कम से कम मैं एक दफा तो देखूं उन्हें कि मेरा इमाम ने क्या कहा है। आयतुल्ला मराशी नजफी के आपकी सलावत उनके दर्जात में इजाफा करो। अल्लाह कहते मैंने सईफे सज्जादिया तोहफतन भिजवाई जामतुल अजहर मिस्र में जो है हौजा इल्मिया, वहां के जो बहुत बड़े मुफ्ती थे गालिबन तनथावी थे उस जमाने में, वो कहते हैं जब उनके पास ये किताब पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि काश ये किताब जवानी में मुझे मिली होती तो मैं इस पर शर लिखता कि क्या मनाबे हैं, क्या सोर्स हैं आपके पास। एक और फ्रांस का है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, हाबन कैनरी, ये क्या है कि जब वो क्रिश्चियन मसीह था, जब वो आया हौज़े इल्मिया की तरफ तो उससे पूछा गया कि तुम जब उस वक्त मसीह थे तो क्या था, तो तुम जो इरफान मसीह का है उसमें किस तरह खुदा से मुखातिब होते थे। कहते थे मैं सईफे सज्जादिया की दुआएं पढ़कर। अज़ीज़ानो अतम गैर मुस्लिम इन्हीं दुआओं के तर्जुमे पढ़ते हैं अपनी इबादतों में, मगर हम लोग हमारे घरों में तो शायद हो भी नहीं किताब सईफे सज्जादिया की। तो अजीजा ने मतलब फिर हम किस तरह इमाम के मानने वाले हैं, कैसे मानने वाले हैं। इमाम ने इतनी जहमत की सारी जिंदगी, इतना गिरिया किया, लेकिन हम जरा सी भी जहमत नहीं कर सकते अपनी जिंदगी के अंदर। फिर हम कहते हैं कि रोजे कयामत में हमारी शफात करें, कैसे करें। कुछ तो वो खसूसियतें मैं बताऊंगा जो इमाम ने बताई है मोमिन की, लेकिन कम अज कम हम चीजों को तो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो अंजाम दें। अजीजा ने मोहतरम हम लोगों को रिलैक्स मोड चाहिए, मौलाना आए कोई टेंशन ना दे,
मौलाना आए कोई नसीहत ना करे, बस ऐसी बात करे कि बस हम भी वाह वाह करें, बस हम भी चले जाएं, वो अपने घर चला जाए। अजीजाने मोहतरम, जो भी मौलाना आता है वो कम से कम कुछ नहीं तो लिफाफा लेके जाता है। आप क्या लेके जा रहे हैं? वो तो लेके जा रहा है, कुछ पड़े कि ना पड़े, आप क्या लेके जा रहे हैं? वो अलग बात है कि आलिम दीन से भी रोजे कयामत सवाल किया जाएगा कि तुम्हें एक घंटा दिया, एक घंटा मल्टीप्लाई बाय 1,000, 500, 10,000 जितने भी लोग थे, इतने घंटे तुमने क्या किया लोगों के साथ? उसका हिसाब अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा भी तो हिसाब होगा, मैं भी तो सुनने जा रहा हूं, मेरा भी तो कोई हक है। बहरहाल इससे पहले कि देर हो जाए, हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी सी हरकत करनी चाहिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले।